मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज और अभी अपडेट दूंगा, शाम का करीब 4:45 के टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस का नंबर है वो आपको बताता चलूँ, वो है 9,50,652। डेथ है 48,290। रिकवरी है 2,02,631। एक चीज़ इसमें नोटिस करने की, जिस रफ्तार से ये जा रहा है, आने वाला 12 घंटे के अंदर ये नंबर ऑफ केसेस 10 लाख हो जाएंगे। ये मैं उस कैलकुलेशन से बोल रहा हूँ जो पर आवर्स नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले 12 घंटे में ये 10 लाख हो जाएगा। ये 48,000 जो है वो 50,000 में हो जाएगा। किस आधार पे कर बता रहा हूँ उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको दिखाता देता हूँ कि मैं अगर 31 मार्च को मैं नंबर ऑफ केसेस दिखाता हूँ तो 85 पे है, और एक दिन के अंदर ही ये 93 पे चला जाता है। तो नंबर ऑफ संख्या इतनी ज़्यादा है कि आराम से वो 10 लाख का आंकड़ा टच करेगा। और आज थोड़ा सा ब्रीफ आपको देता हूं मैं यूएस के बारे में, क्योंकि यूएस की हालत बहुत ही ख़राब है। अगर यूएस का अगर टोटल नंबर अगर हम देखते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में तो 2,15,337 हो चुका है। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है ट्रंप जो हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी क्लोज मीटिंग की, उसके अंदर इन लोगों ने एक रिपोर्ट भी जारी किया है जिसमें कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जो जितने लोग मरे थे उससे ज़्यादा मरने की संभावना हो सकती है अगर यूएस के लोग इस बात का एहतियात नहीं करेंगे और लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे तो ये नंबर बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो थोड़ा सा पैनिक बटन है यूएस में इस वक्त। और अगर कैलकुलेशन ऐसा देखा जाए कि आने वाला 15 दिन यूएस के लिए बहुत भारी है, क्योंकि जिस तरह से इनका नंबर बढ़ रहा है उस पर अगर आप गौर करेंगे, ये अगर 25 मार्च का हम नंबर देखते हैं तो वो हमको नज़र आता है 68,211 टोटल नंबर ऑफ केस। अगर हम उसी को पहली तारीख को देखते हैं तो ये चला जाता है 2,15,003 केस। तो अगर ये लोग एहतियात नहीं बरतते हैं तो आने वाला 15 दिनों में, क्योंकि ये नंबर ऑफ केस करीब करीब 8 दिनों के अंदर 1,47,700 लोग ऐड हुए हैं, मतलब उतने लोग 1,47,000 लोग ज़्यादा बीमार पड़े हैं। तो अगर उसी कैलकुलेशन को देखते हैं, रफ्तार उतनी तेज़ी से गया तो आने वाले 15 दिनों में ये नंबर आंकड़ा कहीं ना कहीं 5 लाख से ऊपर चला जाएगा। तो यही यूएस का सबसे बड़ा पैनिक है इस पॉइंट ऑफ टाइम में कि अगर लोग बाहर निकलना बंद नहीं करते हैं तो डेफिनेटली ये नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर शायद यूएस को संभालना मुश्किल होगा। अब हम बात करते हैं इटली का। इटली का भी नंबर 1,10,574 नंबर हो चुका है टोटल नंबर ऑफ केस। यहाँ पे डेथ बहुत ज़्यादा है, 13,155। अगर इटली को भी नहीं रोका गया तो इसका भी नंबर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। स्पेन पे अगर आप नज़र डालें तो यहाँ की भी संख्या 1,10,238 हो चुका है, और नए केसेस जो ऐड हुए हैं 24 आवर के अंदर वो है 6,120। टोटल नंबर ऑफ डेथ है यहाँ 10,003। लास्ट 24 घंटे में जो लोगों की डेथ हुई है उसकी संख्या है 616। तो स्पेन भी थोड़ा ट्रबल में है। लेकिन यहाँ पर चाइना देखिए, तो चाइना का नंबर अभी आप देखेंगे तो 81,589 है, और नए केसेस सिर्फ 35 आए हैं, और नंबर ऑफ टोटल जो डेथ है 3,318। अगर यहाँ पे क्रिटिकल केस देखा जाए, सीरियस केस, तो सिर्फ 429 है। जहाँ से ये शुरू हुआ था वहाँ हालत सुधर गई है और बाकी जगह दुनिया में ये पूरा वायरस फैल गया है। एक बहुत सरप्राइज बात है चाइना के बारे में भी कि जहाँ से वुहान से शुरू हुआ और वहाँ से 340 किलोमीटर की दूरी में बहुत सारे शहर हैं वहाँ पे ये वायरस नहीं फैला, लेकिन बहुत सरप्राइज है पूरे दुनिया में ये वायरस फैल गया। ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में, और यह टोटल नंबर ऑफ केस अगर आप देखेंगे तो वो है 2032। तो न्यू केसेस जो 24 घंटे के अंदर ऐड हुए हैं वो है 34, और नंबर ऑफ डेथ है वो है 58।
अगर आप बगल के हमारे पड़ोसी देश को देखते हैं पाकिस्तान, तो उसका टोटल नंबर ऑफ केस 2,291 और वो यहाँ पे नए केसेस जो आए हैं वो 173 हैं, नंबर ऑफ टोटल डेथ 31 है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मोर और लेस नंबर सेम चल रहा है, दोनों देश को प्रिकॉशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। श्रीलंका का टोटल नंबर ऑफ केस देखते हैं तो 148 है, नए केसेस 2 हैं और अभी तक यहाँ कोई भी डेथ का आंकड़ा नहीं आया है। अगर बांग्लादेश पे हम नज़र डालते हैं तो नंबर ऑफ केस टोटल अभी तक 56 आए हैं और न्यू केसेस जो 24 घंटे के अंदर आया है वो है 2 नंबर और टोटल डेथ यहाँ पे सिर्फ 6 है। देखिए, जहाँ तक ये बताऊँ कि अभी तक हमारा टोटल नंबर 2000 क्रॉस कर चुका है और 58 लोगों की डेथ हो चुकी है, अभी भी मौका है। बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, लोगों ने ये कहा है कि जब डॉक्टर आते हैं तो लोग सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ये डर से कि वो जहाँ पे ले जाकर रखते हैं वहाँ पे इंतज़ाम नहीं है, 14 दिन बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन बात है कि अगर वो 14 दिन तकलीफ़ है आपको, अगर उसको आप नहीं मानते हैं, गवर्नमेंट की बात को अगर आप नहीं मानते हैं और ये बीमारी अगर फैल जाती है, तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के पास इतना इंतज़ाम नहीं है कि सभी को सर्विस दे सके। इसलिए इस वक्त हर भारतीय को, हर किसी को सरकार के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। अगर अभी आप साथ नहीं देंगे तो इस बीमारी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।